हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो दोस्तों? आई तो बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। तो अभी मैं रेडी हो रही थी वीडियो बनाने के लिए। मैं कैसी लग रही हूँ दोस्तों, कमेंट करके बताना। जो नेकलेस मैं लाई थी वही पहन रही हूँ अभी। तो सभी को पहले तो राधे राधे दोस्तों, जय सिया राम। बहुत बहुत स्वागत है वंदना के चैनल में। चलिए दोस्तों, ये है मेरा आज का लुक, कैसा रहा कमेंट करके बताना। मेरा नेकलेस कैसा लग रहा है? बहुत गर्मी है दोस्तों, काजल फैल गया है। एक्चुअली क्या हुआ कि उसी टाइम कुरियर आ गया, एक कुरियर आ गया था, तो एकदम से उसके सामने सज धज के नहीं गई। तो काजल को साफ किया तो एकदम से बिखर गया, अच्छा नहीं लग रहा था देखते देखते। मैं हो गई हूँ रेडी कुछ वीडियो बनाने के लिए दोस्तों। चलिए तो अब चलते हैं वीडियो बनाने के लिए। तो मेरा आज का ब्लॉग दोस्तों, आपको पता ही है, अचानक से मेरी छत टूट गई थी। चलिए तो हम दिखाते हैं। अभी तो हम रेडी हो गए हैं वीडियो बनाने के लिए, सारा काम भी हो गया मेरा, झाड़ू पोछा बर्तन खाना कपड़े सब कुछ। तो अभी हमने ये साड़ी पहनी है दोस्तों, कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताएं। थोड़ी मोटी है, बहुत गर्मी लग रही थी इसमें, ऊपर से नेकलेस गले में फंसा लिया तो और ज़्यादा गर्मी लग रही है। चलिए गाइस, इसको अच्छे से हमने कर लिया है। इयररिंग्स भी इसी नेकलेस के हैं दोस्तों, सभी को राधे राधे। चलिए तो हमारे ब्लॉग में ये लुक देखिए हमारा, आज हम इसी में बनाएंगे, कुछ भोजपुरी सॉन्ग में बनाएंगे कुछ ऐसे ही। चलिए, ये नेकलेस है मेरा, कैसा लग रहा? मैंने ये ख़रीदा है, गोल्ड का नहीं है। इधर मैं आई छत पे दोस्तों, वीडियो बनाने के बाद कपड़े चेंज करने के बाद आई छत पे। तो छत पे ये देखिए, यहाँ लास्ट में जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ पर पानी भरा रहता है, वहीं से छत टूटकर मेरे सर पे गिरती है नीचे। तभी तो हम यहाँ का पानी निकाल रहे हैं दोस्तों, आपको दिखा रहे हैं। चलिए गाइस, यहाँ पर पानी को साफ करते हैं पहले तो झाड़ू से अच्छे से। ये पानी साफ कर देंगे क्योंकि ये पानी भरा रहता है, तो इसके वजह से छत टूट रही है। तो मैंने झाड़ू से इस पानी को साफ किया, ये देखिए दोस्तों, बहुत पानी भर जाता है छत पर। छत काफ़ी बड़ा है, खुला हुआ है तो सब कुछ दिखता है, लोग आप देखते हैं तो छत पर थोड़ा कम ही वीडियो ब्लॉग बनाते हैं। तो मैंने छत का पानी किया साफ, झाड़ू को रख देंगे। इधर आए नीचे देखा तो पति देव थे नाराज, तो वो बना रहे हैं खाना अपने हाथ से, मेरे हाथ का नहीं खा रहे हैं। ये देखिए, उन्हें चिढ़ा रही हूँ मैं, परेशान करने में मज़ा आता है दोस्तों। चलिए तो ये देखिए पुलिस स्टेशन, इनका बन रहा है खाना, पति देव लड़ रहे हैं।
भरत मंदिर कहा लाओ मैं बना दूं, लेकिन नहीं खाना मेरे हाथ का आज। मेरी कोई गलती नहीं है, हम लोगों में हो गई है लड़ाई तो। हाँ, मैं कुछ बस बोली हूँ, ज्यादा कुछ नहीं बोली हूँ। कोई पिटेगा तो क्या करेगा। मैंने इनको धमकी भी दी। आए हाय, आटा मार वो बता रहा है। ओहो, मेरे को परेशान कर रहे हैं, लेकिन तो वो बता रहा है अभी तक तो। जैसे ये देखिए, तो आज शनिवार था, वो व्रत थी, तो इसलिए वो पराठे खाते हैं बिना नमक के। ये प्रसाद शनिदेव को भोग लगाया है तो लाए हैं, और आज ये रोट भी चढ़े किसी के, तो घर पे इतना सारा प्रसाद काफ़ी सारा आया है, तो मैंने थोड़ा पड़ोस में भी बांट दिए हैं, लेकिन बहुत सारा रखा हुआ है। तो ये देखिए, ये बूंदी है और रोट भी है काफ़ी सारे दोस्तों। देव थे नाराज, तो मैं बैठक में गई, वहाँ पर बेटी बैठी हुई थी, तो उसके पास बैठ गई क्योंकि मन उदास था दोस्तों। लेकिन काफी देर तक बैठे, जब भी हमें बुरा लगता है उदास बैठ जाते हैं। मेरी बच्ची पूछ रही थी तो मैं उसे बता रही थी कि पापा से लड़ाई हुई है, और आज मेरी आंखों में सारा पानी फैल गया है दोस्तों। इधर में आई रूम में, मेरा एक कोरियर आया था, तो अभी देख कुछ उन्हें तो बता नहीं सकती थी, तो मैं एक कोरियर खोलती हूँ। उसमें मैंने मंगाई थी दोस्तों एक साड़ी, कलर ठीक था, लाइट पिंक साड़ी थी, ड्राई क्लीन वाली साड़ी थी। ये साड़ी आई है दोस्तों, प्लेन है बिल्कुल, इसमें नीचे बॉर्डर है गोल्डन। ये साड़ी मंगाए हैं दोस्तों ऑनलाइन, ये मुझे 900 में प्राप्त हुई है दोस्तों फ्लिपकार्ट से। दिखाती हूँ मैं इसका पूरा ब्लॉग, इसका ब्लाउज ब्लाउज सब कुछ दिखाऊंगी। ये देखिए दोस्तों, कोई बुला रहा है बाहर, मैं उनकी सुन रही थी, अभी देखो भी देख रही थी क्योंकि वो नीचे आ जाते तो मेरे पे चिल्लाते, इसलिए मैं कुछ देख रही थी वहाँ पे। कहीं बोलना, चलिए आपको दिखाते हैं दोस्तों। अजी भी घर पर थे तो सर पे पल्ला किए हैं। इधर बाहर एक मामा जी बुला रही थी, हमने तो पेटी कोट मिल रहे थे तो उनको डेली उसके लिए। तो भैया शाम को आए थे, ये बहुत कम रुपीज में दे रहे थे, बस प्लाजो वगैरह लिए। मेरे को बुलाया तो मैं गई थी वहाँ पर देखने के लिए, लेकिन मैंने लिए नहीं। देखो हम बता लेते हैं, कछु बता भी जरूरत नहीं है, पक्के कलर के। अरे सो कम कर लो, शाम को नहीं, हम क्या बेके नहीं, बाकी हमें कौन टेंशन देते। चलिए दोस्तों, ये देखिए, ये है छत,
आज ये छत यहाँ से टूटी, तार भी निकल आए, मेरे सर पर गिरते गिरते बची दोस्तों, बहुत बची। आज मैं यहाँ बाहर खड़ी थी तो मेरी छत ये टूटी, इतनी सारी भर भर आ, बहुत तेज आवाज आई, मैं दौड़ के भागी, टुकड़ों में गिरी, एक तरह से गिरती तो मेरा तो सर ही, मेरा बच्चा भी खड़ा हुआ था छत टूटने में। वो तो को मैंने उससे कहा भैया अपनी छत टूट गई, लेकिन तुम्हारे फोन में फिल्टर लगा, गिर गए, ये टूट गया, पापा नया बनवा देंगे, आज पापा लड़ रहा था, बच्चों को भी लगता है कि नया, कह रहे तुम हमें खाना नहीं बनाओगी, जे देखो जी माता रानी मौसम को मजा ले रही, मौसम बहुत अच्छा, ये देखो छत तो टूट ही गई थी, क्या कर रही थी बेटी, मौसम येलो येलो हो गया तो उसकी तो कैसे रही थी भाई साहब, तुम्हारी छत टूट गई, देख लो भाई टूट गई छत, कुछ दिन बाद घर भी गिर हो जाते, गिर ही जावे ताकि नौ घर बन जाए, घर को पैसे नहीं चाहिए, है ही नहीं है, साइकिल लेके कहाँ चले भाई साहब, देखो इतना सारी मिट्टी गिर गई, खूब सारी कितनी है गई पर बाहर फोटो ली, बाहर देखो गाय भी बहुत परेशान करती है, छोटी सी डंडा में तो मेरा बेटा चला गया है दादी के घर पास ही में, वो जा रहा साइकिल से दोस्तों। चलिए अंदर आते हैं तो ये साड़ी को हम अच्छे से खोल के दिखाते हैं आपको, ये देखिए मैंने सर पे डाल के भी देखी, लाइट वेट साड़ी है, इसमें कलर बहुत सारे थे, पिंक कलर था, बहुत सारे कलर थे, मेरे पास जो कलर नहीं होता है वो मंगवाए हैं, लेकिन मेरे को अच्छी लगी, देखती हूँ धीरे नाराज़गी शांत हो जाएगी तो फिर उनको बता देंगे, अगर उनको अच्छी लगेगी तो रख लेंगे, नहीं तो रिटर्न कर देंगे। तो देखिए दोस्तों मैं इसको, लाइट वेट साड़ी है, नीचे का बॉर्डर है, कुछ नहीं है ज़्यादा उसमें, वगैरह लगानी है इसमें, ये देखिए दोस्तों इसका बॉर्डर कितना चमक रहा है, प्राइस काफ़ी अच्छी, बुरी जैसे तो इसका ये ब्लाउज है दोस्तों, ब्लू नीला बहुत अच्छा लग रहा था, ब्लाउज भी काफ़ी अच्छा है, बनेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। इसको पॉलीथर में रखेंगे, इसका जो रैपर निकला है वो दिखाते हैं हम आपको, ये पॉलीथन है फ्लिपकार्ट की, ये देखिए ये इसमें निकला है कागज, एक मिनट में रेली में आपको पढ़ाती हूँ, इसमें ये सब लिखा है दोस्तों, ये कागज़ इसी में निकला है, कैमरे में मैं सही से दिखा नहीं पा रही हूँ आपको, मैं इसकी फोटो डालूंगी आपको, ये साड़ी में वीडियो बनाऊंगी, आप बताना ब्लाउज तैयार हो जाएगा उसके बाद, मेरी ब्लाउज जल्दी रेडी नहीं होता है इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाती, उनके सामने मैंने ये साड़ी नहीं दिखाई क्योंकि वो बहुत नाराज़ है मुझसे, मैंने उनसे एक बार बोल दिया, उसी वजह से उन्होंने खाना खुद बना लिया, खा लिया, आज पहली बार लाया लाइफ, पहली बार लाइफ में ऐसा हुआ है तो पति देव ने, तो मैंने कहा आपने अपने लिए खाना बना लिया तो मेरे लिए भी बना देना, मैं किचन में नहीं जाऊँगी, बच्चों के लिए बना देना दोस्तों, और उनके गुरु जी आए मेरे पति देव के, जिन्होंने पढ़ाया उनकी वजह से मेरे पति देव को, मतलब जो भी शिक्षा प्राप्त हुई नौकरी होने की वजह से, मेरे पति देव टीचर हैं गवर्नमेंट, तो दोस्तों पति देव कहीं आना जाए ब्लॉग बना रहे हैं, तो बस इतना ही, धोनी तो की साड़ी छिपाए रखी, आज मेरी चिकन से छत टूट गई है, तो पैसे भी, मकान पुराना है टूट रहा है तो उसे करवाना है, तो उसके लिए पैसे भी बहुत चाहिए, बस
इतना ही ब्लॉग में आज का, दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।